हिंदू धर्म में गाय के दूध को अमृत तुल्य माना गया है और वास्तव में है भी। गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक एवं पाचक होता है। जो माँ अपने नवजात बच्चों को अपना दूध पिलाने में असमर्थ होती है तो उन नवजात बच्चों को गाय का दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध इतना सुपाच्य और हल्का होता है कि उसको छोटा बच्चा भी पचा लेता है। गौ रक्षा का मामला देश के आर्थिक विकास से जुड़ा है। भैंस की तुलना में गाय के दूध में पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं। गाय भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी रही है। पशुपालक बहुत कम खर्चे में गाय का पालन कर लेते हैं। हिंदू धर्म में गाय को कामधेनु कहा गया है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था के अनुसार गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय के पेट का ऑपरेशन कर करीब 39 किलो पॉलीथिन निकाली गई। इस ऑपरेशन को लेकर दावा किया जा रहा है कि देश का पहला ऑपरेशन है। ऑपरेशन भी अपने आप में जटिल था। कारण ये था कि गाय गर्भवती थी। बताया गया है कि श्री गौशाला मेडिकल सेवा संस्थान के आशीष अग्रवाल को बुधवार सुबह सूचना मिली कि टिकुरिया टोला स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक गाय बेहोशी की हालत में पड़ी है। उसके बाद वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गाय को गौशाला लाया, जहां पशु चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि गाय गर्भवती है, पेट में पॉलीथिन है। ऐसे में गाय व बच्चे को खतरा है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि गाय के ऑपरेशन किया जाए। दवा व संसाधन जुटाए गए और ऑपरेशन शुरू किया गया। पेट ओपन कर बड़े पैमाने पर पॉलीथिन निकाली गई, जिसका बाद में वजन किया गया तो 39 किलो थी। 4 घंटे चला ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन में एक पशु चिकित्सकों की टीम लगी थी, जिसने करीब 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद गाय को जीवन दान दिया। संस्था के आशीष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने पशु चिकित्सक डॉ एपी सिंह को जानकारी दी। उसके बाद पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ वनस्पति भारती, संदीप शुक्ला, जयराम चौधरी व कंपाउंडर रामलाल प्रजापति गोलू मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद ऑपरेशन करने में सफलता पाई। ऑपरेशन के बाद खिलाया 3 किलो दही व केला। पशु चिकित्सक टीम ने ऑपरेशन के बाद गाय को 3 किलो दही, 1 दर्जन केले, 2 किलो पालक खिलाया। ये भोजन चिकित्सकों के सलाह के बाद दिया गया। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद गाय को 2 दिन तक कुछ भी ठोस भोजन नहीं दिया जा सकता। इस भोजन के बाद उसे कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा। पॉलीथिन में भोजन न फेंके। इस ऑपरेशन के पीछे एक संदेश भी है। आशीष अग्रवाल कहते हैं कि लोग अक्सर भोजन सामग्री पॉलीथिन में बंद कर फेंक देते हैं, जिसे गाय व अन्य जानवर खाते हैं। इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करें कि भोजन सामग्री पॉलीथिन में पैक करके न फेंके। 2 तार के टुकड़े भी निकले। गाय के पेट से केवल पॉलीथिन ही नहीं निकला, बल्कि 2 तार के टुकड़े भी निकाले, जिसकी लंबाई करीब आधा फीट थी। वहीं कई प्रकार के कचरे निकले।